वेलकम बैक टू द गेम ऑन। बात करेंगे इंडिया वर्सेस यूएसए की, और यहीं से वीडियो की शुरुआत करेंगे कि नई ओपनिंग जोड़ी लाएंगे, इन तीन को बाहर भगाएंगे और तीन जबरदस्त खिलाड़ी अंदर प्लेइंग 11 में लाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तीन खिलाड़ियों की जो शायद इस मैच में बाहर हो जाएंगे। अब आपको एक एक करके बताएंगे कि कौन सी नई ओपनिंग जोड़ी आने वाली है, कौन से प्लेयर अंदर आएंगे, कौन से प्लेयर बाहर जाएंगे, उन चीजों को सारी की सारी चीजों को एक एक करके आपको बताएंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। पहला प्लेयर होंगे यहाँ पर संजू सैमसन, जो आपको सीधा इस प्लेइंग 11 में आते हुए नजर आएंगे। अब वो शिवम दुबे की जगह भी आ सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आप हार्दिक पांड्या की जगह भी उनको ले आओ, क्योंकि हम सभी को पता है कि आईसीसी टूर्नामेंट जब होते हैं तो हार्दिक पांड्या को टीम बहुत ज्यादा नहीं खिलाती है, सिर्फ बड़े मैचों में इस्तेमाल करती है, क्योंकि उनके साथ फिटनेस एक इश्यू रहता है बॉलिंग का और बैटिंग का साथ में। तो इसीलिए हो सकता है टीम उनको यहाँ पर आराम देगी, रेस्ट कराएगी, संजू सैमसन वापस आएंगे। हो सकता है बावजूद इसके शिवम दुबे खेल भी जाए, लेकिन उनके भी चांसेस कम लग रहे हैं खेलने के, और शिवम दुबे बाहर जाएंगे तो वहां पर आप वापस आते देखोगे। हो सकता है संजू सैमसन उनकी जगह आ जाए, हार्दिक पांड्या खेल जाए, और अगर शिवम दुबे बाहर नहीं जाते हैं तो आप हार्दिक पांड्या के रेस्ट की जगह ला सकते हो संजू सैमसन को। तो ये चीज हो जाएगी। और इसके बाद हो सकता है आप रविंद्र जडेजा को भी बैठा दो और कुलदीप को ले आओ, या फिर हो सकता है आप शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या दोनों को बैठा लोगे और उसके बाद एक संजू सैमसन को लाओगे, एक बॉलर आप कम खिलाओगे उनकी जगह, एक बैट्समैन आप कम खिलाओगे, आप ले आओगे कुलदीप यादव को, क्योंकि हम सभी को पता है कि कुलदीप यादव बड़े मैचों में किस तरह से इफेक्टिव होंगे टीम इंडिया के लिए, तो ही कैन बी द मैच विनर इन अपकमिंग मैचेस। सो आप उनको ट्राई कर सकते हो, तो वो अगर आपकी टीम में आ जाएंगे तो ये हो जाएगी। बाकी अब ऊपर से देखेंगे विराट कोहली जो ओपनिंग कर रहे हैं, क्या वहां पर कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्या वो बाहर जा सकते हैं, और मतलब बाहर तो नहीं जाएंगे विराट कोहली, माफ कीजिएगा, क्या वो नीचे आ सकते हैं, नीचे आएंगे तो ऊपर कौन जाएगा? तो यहाँ पर एक बड़ा आंसर ये है ऋषभ पंत। हम सभी को पता है कि ऋषभ पंत अभी नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी बैटिंग जल्दी ही आ जा रही है, तो टीम ये सोच सकती है कि विराट कोहली के अभी रन नहीं आए हैं, हालांकि वो कोई इश्यू नहीं है, विराट कोहली के रन ओपनिंग में आ जाएंगे मुझे पता है, लेकिन अगर टीम ये प्लान करना चाहे तो विराट कोहली को नंबर 3 पर ला सकती है, ऋषभ पंत से ओपन करा सकती है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन आपका हो गया, विराट कोहली अपनी 3 की पोजीशन पर आ गए। लेकिन शायद टीम इस मैच में तो ना सोचे, बट अगर यहाँ पर विराट कोहली के रन नहीं आए आज के मैच में, तो आप ये होता हुआ देख सकते हैं कि विराट कोहली नंबर 3 पर आ जाए, लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि शायद आज विराट कोहली 3 ओपन ही कर जाएंगे। फिलहाल आप बताइए आपको क्या लग रहा है, क्या विराट कोहली 3 पर आ सकते हैं आज ही, या फिर एक मैच और टीम देखेगी ओपन कराते हुए विराट कोहली से?